नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो पे। तो दोस्तों, इन दिन इंटरनेट पे ममता दिवंगन जो कि खूब वायरल हो रहा है, जो कि रायपुर की रहने वाली है और रायपुर मठपारा की रहने वाली है, तो इनके बारे में आज हम आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे टपरी वाले हैं, ऐसे रोड साइड दुकान वाले हैं जो कि हमारे भारत में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं और अच्छे खासे कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई सारे वायरल हैं दुकानदार, जैसे कि डोली चाय वाला और MBA चाय वाला है और BTech पानीपुरी वाले हैं, जो कि हमारे भारत में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये रोड साइड में अपना दुकान लगाकर अच्छी खासी इनकम कमा लेते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम अपने छत्तीसगढ़ के बारे में आप लोग को बताने वाले हैं, जो कि ई रिक्शा पे चाय बेच रही है और अच्छी खासा हमारे छत्तीसगढ़ में पॉपुलर हो रही है। तो नाम है दोस्तों ममता देवांगन, जो कि मठपारा रायपुर की रहने वाली है और उनके ससुराल भी मठपारा रायपुर में ही है। और दोस्तों, उनका हस्बैंड जो कि बेल्ट की दुकान लगाते थे बस स्टैंड में, और अब वो ई रिक्शा चलाते हैं। और ई रिक्शा चलाने के साथ साथ ममता देवांगन जो कि ई रिक्शा में चाय बेचती है, और दोस्तों उनकी पत्नी है ममता देवांगन जो कि वो चाय बेचती है ई रिक्शा में, और ये प्रथम महिला है जो कि ई रिक्शा चलाकर अपना चाय बेचती है और काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है हमारे छत्तीसगढ़ में, और लोग दूर दूर से उनके साथ वीडियो बनाने के लिए और यहाँ पर चाय पीने के लिए आते हैं। और ये वहीं पर लगा हुआ है, बस स्टेशन के पास है। और दोस्तों, आप लोग को बता दें कि ये टिकटॉक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, दोनों कपल फेमस हुए थे, और टिकटॉक छूटने के बाद धीरे धीरे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसके कारण से अभी हाल ही में उनका 1 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हुआ है इंस्टाग्राम पर। और दोस्तों, उनका इंस्टाग्राम पेज कुछ इस प्रकार से है, नागेश ममता ऑफिशियल, तो आप लोग इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। और दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इन्हें सपोर्ट मिल रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शकों के द्वारा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और भी किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।